मुखे नसीर मिर्जा वांगे गीत जेके हन गुनगुनाइण कोन था अचन पर सब पर इते इन्हीं ऑडिटोरियम में असा के वेठे वेठे असा के पेंजी जवानी याद ही भी याद आया ए सिंध वरष्टीय मां जे जो गुजर थयो वजे जाम शोरे जसो जो फेरी बुधो को जको वरे नो थे जो सिंध वरष्टीय मां जे जो गुजर थयो वजे जाम शोरे जसो जण पत्थर थयो वजे हां हते जा सफेदा थ गायो विजना हता मोतीए जो कलियो भी खड़ो आई को गुल मोहर संदस चोटले में हणो आई को गुल मोहर संदस चोटले में हणो केडी न सुणी आ सोभ्या असा जे तखाबन जी आसा भया साथ सड़जो असा के शर्म बूटड़ी जा हथ छा नजर सा छरियो थी वने छा चवा हु कुछ करियो थी वने तेके भेटू त कैसा भला भेटियो जथा भेटू खुदा सा कुफर थयो वने याद अची वया ही स्टेज हुई इते भी इंदा आसी आई वरी दोस्त हुटिंग जा नवा अंदाज हुंदा एकडे दी मुशायरो इते एकडो रखियो सी आऊं ते शेर भी पढ़ा नहीं या शेर पढ़ा था सैयद नूर साहब तो वो कागज से जो जहाज नहीं बनाते वो ऊपर हमारे मेरे दोस्त थे वो ऊपर बैठे हुए थे वो सिगरेट के उस सिगरेट के उन जा फुला जे केनो जहाज में विजी अगे जहाज जो मुंह फाड़े छदी तो आऊं जो शेर भी पढ़ा तो जहाज मुंडे पे अचे मुझे फुलियार अचे मुझे मुंह में लगदी वो रख जेका तो मुझी अखू जे उनमें मुका शेर विसरी गयो देठा सबनी चयो शेर पर शेर पर मुजा शेर था आऊं अल्लाह पे पुदसा जो बुढे अचे पियो आजी चोरे मो ये सही दमंगी आ रहा है ऐसी दौर नेमत है हां बब याद अचे तो वरी छदे वजार तो पढ़ने शुरू करी होती है ना वाह सो वो दौर हो जामशोरो जामशोरे जा अभी बहुत हो अभी पंजी जवानी जी उन्हें असीन दौर में गुजरो था हाँ रुगो आवाजे जा इतने अलाय कितना बैठा है उन्हें का पूछी दिसो सिंध वरस्ती है जे क्लासन में हुसन आए सिंध वरस्ती जे क्लास हसन दर्सी शायरी है बाबा बुधो तो सही सिंध वरस्ती जे क्लासन में हुसन तुझे कावड़ आई गुस्से में सुंदरता तुझे धड़कन आए दिलासन में हुसन हसन दर्स है सो बहरहाल इन गुफ्तगु के बे मौके से मुफ्त साहब के चंदा सी असा के घुराए पान सब निकरी वजे पान वरी पान में कचहरी करी हुई थी एक बे के शायरी बुधायो असा निकता सी जदे इता का मेरा यूनिवर्सिटी में पढ़ा सी आखिरी फेयरवेल फंक्शन हो आए उते मुखे तकरीर करनी हुई तकरीर मुखा विसरी वही जेको नज़्म शेर लिखो वो मुते पढ़ शुरू करे छड़ियो ए पारत करे व्यासी जेके तही आया है ता जण के तजाम शोरा जवानी जी पारत हो जई यार तोखे छड़े मां वजा पियो वजा जवानी यो ख्याल रखो ता कोदा रखो सफाई जाम शोरा जवानी जी पारत हो जई यार तोखे छड़े मां वजा तो वजा शाल तू ही हुजी मां हुजा न हुजा प्यार तोखे छड़े मां वजा तो वजा को आयो हते कुछ बहारू खणी केंजे चेहरे मथा सो लुटाए वयो पंजे नेणन जा गाढ़ा सजदा दई मोहब्बतुन जे भरम के बचाए वयो जे विसारे सगी त विसारे छजा जे जे सीने मथा घाव तुजा नवा यार तोखे छडे प्यार तोखे छडे मां वजा तो वजा अज सुठी गाल है अज जाम शोरे जी जमीन ते जिते पान जाम शोरे जी हुस्ना किन रोला किन आवार किन जवानी की गुफ्तगू कयूं था उते असा सिंधी फिल्म जे उरूज जे जवानी जी गुफ्तगू थी है ते ई दौर असा के वापस मोटायो है यकीनन एकड़ो दौर और इसके रिबक्ष का निजामानी जड़ा मानू आ उस जमाने में
न त अॼुकल्ह जे दौर जा जेके असांजे जेके रईस चऊं वॾेरा चऊं जागीरदार चऊं भोतार चऊं कुझु बि न खणी चऊं पर जदीद दौर में कुकड़े कुता विढ़ाइण ते फ़ख़ुरु महसूसु कंदा हुजनि उते रईस करीम बख़्श निज़ामाणी जहिड़े जहिड़ो कई किताब जहिड़े आलीशान किताब जो ख़ालिक उन ज़माने में उहा फिल्म ठाहे थो एकता ऐं सिंधी फिल्म जो बुनियाद रखण वारो माण्हू मातलीअ में माए नेस्ट जहिड़े घर ते रहंदड़ अॼु बि हुनजे आऊं वेंदो आहियां उते मां मातलीअ में ऐं ॾिसंदो आहियां त उहो ई उजड़ो तयारु आहे त उन ज़माने में जेके जॾहिं श्रीनगर जे कश्मीर जे क्लब्स में जे ॿाहिरां इलीट क्लब्स गोरनि ठाहियूं हुयूं उन्हनि क्लब्स जे ॿाहिरां लिखियलु हूंदो हो त हिन में इंडियन ऐं कुतनि जी दाख़िला ममनू आहे इंडियन ऐं कुता हुन दाख़िल क्लब में नथा थी सघनि उन दौर में उन क्लब जो मेंबर रईस करीम बख़्श ख़ान निज़ामाणी हो ऐं उते वेंदो हो इहो सिंध जी उन ज़रूर जी ॻाल्हि आहे उहो एकता जो सफ़र हलियो उहो हिकिड़ो आलीशान दौर हो फिल्मुनि जो पोइ आख़िर में जॾहिं असां वटि हीरोज़ बचा कोन सोसाइटीअ में पंहिंजे हयात में पंहिंजे अखियुनि जे साम्हूं कहिड़ा किरदार कोन ॾिठा त असां वटि परू चांडिया अलीगढ़ चांडे ऐं फुल माछियुनि ते बि फिल्मूं ठहियूं हिकिड़ी सोसाइटीअ जो इहो आलम हो त हिकिड़े धाड़ेल ते पोइ असां चयो असां वटि वरी सिंधी एॾा असीं फयाज़ ऐं फराक दिल आहियूं जो असां चयो त हू इंसान दोस्त धाड़ेल जिते 10,000 अजुर्कूं पयूं चई सो छो सही चईसि औरतुनि ते पोड़नि ते ऐं सईदनि जी ॾाढी इज़त कंदो हो पर इंसान दोस्त धाड़ेलो ऐं आऊं पाण वियो कोहिनूर सिनेमा में परू चांडियो फिल्म ॾिसण तॾहिं सिपंदासीं ॾोह न आहे सोसाइटी जी रिफ्लेक्शन ऐं मार्केट आहे प्रोजेक्ट मार्केट में वेंदी मार्केट में स्पेस हूंदो त उहो प्रोडक्ट खणी ईंदा उहो सेल करण लाइ छो त कमर्शियल आइटम आहे फलाई आइटम कोन्हे उहो कमर्शियल आइटम आहे फिल्म हू पंहिंजा अख़राजात न कढी सघंदी ख़र्च न कढी सघंदी त उहो सर्वाइव न करे सघंदी असां ज़रूरु हिकिड़े दौर में जॾहिं शुरूआत थिए थी त उन में भली फिलेंथ्रॉपी जो आंसर शामिलु हुजे पर फिल्म ठाहिण खां पहिरीं उन जे मुस्तक़िल मिज़ाजी ऐं कंसिस्टेंसी जो सवाल ज़हन में रखणो पवंदो त उहो सर्वाइव कीअं कंदी या इंडस्ट्री तौरु इवॉल्व कीअं थिए सभ खां वॾो सवाल आहे फिल्म ठाहिण जेकॾहिं फिलेंथ्रॉपी हुजे अॼु सिंधी फिल्म ठाहिणी आहे ऐं फलाह जे हिसाब सां बाबा सिंधी फिल्म ठाहे हिकिड़ो नालो रोशन करियूं त उहो त एडवेंचर थी सघे थो को ॿ चारि करोड़ खणी को मुख़ैर हज़रात मार्केट में अची सघे थो ऐं फारूक रिंद जहिड़ो को डायरेक्टर हिन जज़्बे तहत अॻियां अची सघे थो सैयद नूर साहिबु पंहिंजूं वॉलंटियर सर्विसिस ॾेई सघे थो मुस्तफ़ा कुरैशी साहिबु पंहिंजी रहनुमाई ॾेई सघे थो पर उहो बीहे कीअं मुस्तक़िल इंडस्ट्री जी शिकिल कीअं वठे जेको पहिरियों विख हाणे खणणी आहे उन एकता खां पोइ नई रिवाइवल जी हाणे उहा सोचे सम्झी खणणी आहे उन जा कमर्शियल आस्पेक्ट ज़हन में रखी उन फिल्म जी वायबिलिटी ज़हन में रखी पोइ फिल्म जा ठाहिण जा बुनियाद विझजनि त जीअं भुट्टे साहिब कंहिं ज़माने में 70s में नैफडेक ठाही हुई नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ईअं जॾहिं हाणे सिंध में 18 अमेंडमेंट खां पोइ सिनेमा प्रोविंशियल सब्जेक्ट आहे ऐं हाणे हुनजी ख़्वाहिश हुई कुरैशी साहिब जी आहे त सिंध में सैफडेक ठहे सिंध फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ऐं आऊं हिते तव्हांजे हिन शेख हयाज़ ऑडिटोरियम में तव्हां सभिनी जे साम्हूं हींअर उनजा खदो ख़ाल कहिड़ा थींदा ऐं तव्हांजी मैडम मेहताब आहे सैयद नूर साहिबु आहे ऐं उन्हनि सभिनी जी साईं हरमन शाह आहे सभिनी जी आऊं रहनुमाई वठंदुसि ॿिया जेके बि दोस्त आहिनि पर असां आऊं हींअर हिते इन सेफ डेक जे क़याम जो ऐलान करियां थो तव्हांजे साम्हूं त इहो क़ाइमु थींदो सेफ डेक क़ाइमु थींदो लेजिस्लेशन करणी पई उहा कंदासीं एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीशन ते थियो त उहो थींदो पर तव्हां जी रहनुमाईअ में उनखे अॻिते उनखे कीअं वधीक बहितर मुयसर ऐं मक़बूल बणाइजे उन मां लाभ हासिल कजे इहो सभु तव्हां सां वेहण खां पोइ थींदो पर इन इदारे जो क़याम असां कंदासीं ऐं इहो तव्हांजे साम्हूं ऐलान कयो आहे जीअं तव्हां कराची वेंदो त तव्हां सां गॾु वेही जेके नैफडेक जा जेको जेको कंपोज़िशन हुई या ऑर्गेनोग्राम हो या जेको हुनजो हो वेही पाण डिस्कस करे वठंदासीं पर इट इज़ डिसाइडेड के असां नैफडेक सेफडेक ठाहियूं था फिल्म जे हवाले सां मुंहिंजी फारूक रिंद अले केॾांहुं वियो हलियो मुंहिंजो दोस्त आहे हुन सां इलाही वक़्त खां वठी इहो असांजो मथामारी थींदी रही आहे
न फकत सकाफत के वजीर की हैसियत में पर उनके दोस्त की हैसियत में उनसे यह गाल रही है। शाहनवाज भट्टी भी सामू बीठो तो सिंधी फिल्म की आण के रिवाइव कजे क्या कजे जी अस सरकार जो जो भी आइटम आ सेलेबल आइटम को जी चाइना के आइटम के असि क्वालिटी जो आइटम को समझा आयो का प्रोडक्ट हुए ये सिंध सरकार जैसे का भी फकुरिया पेशकश भी कहीं पर उनके शक की निगाह से दिखो वो उनमें पंजा शूं निकर एतरा वसीला सकाफत खातों खर्च कर सके तो फिल्म ठाने ला का वही गाल को पर सवाल यो है तो जेस ताई उनमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व न थींदो को प्राइवेट इन्वेस्टर न इंदो तेस ताई आऊं नथो समझा तो उनकी क्वालिटी उनकी जेका क्रिएटिव पहलू है वो को बेहतर नमूने से सामू अची सकंदो। सिंधोलॉजी के डॉक्टर इसहाक समेजे के इन हवाले से चवां तो तू कोऑर्डिनेशन जो मीडिएशन जो रोल प्ले कर का प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नोड में को भी खड़ी अच भले वो 30% विजे उनमें पैंजा 20% उनमें विजे पर भी कंट्रीब्यूशन हो जे बाकी पैसा सकाफत खातो दींदो असा उनमें कंट्रीब्यूट कंदासी सिंधी फिल्म आणींदासी। चलो ऐलान करण में आफियत महसूस नथो करिया चाहतो जेस प्राइवेट उनमें इंटरवेंशन नथी थी जो मुस्तकिल अगते प्राइवेट सेक्टर के खणी हलणो आ उनके। हाँ सिनेमा की गाल आई तो सिनेमा इन वक्त सिंध सेंसर बोर्ड 18 अमेंडमेंट का पोए प्रोविंशियल सब्जेक्ट है जिते सिनेमाज मौजूद हैं जैसे हैदराबाद में न्यूप्लैक्स लेसनी प्लैक्स कराची में ठहल है उते तो फिल्म लगंदी अस लगे वासी जे सिंध जहा बया शहर है उनमें असी कंपेन लॉन्च कर सकूं था लाइक असी मोबाइल स्क्रीन कें गाड़ी से असी मोकले सकूं था जेका पंजन चैन महीनन ताई सजी सिंध में वनी मानन के मूवी देखारे। ही टेक्नोलॉजी जो दौर है ही का एडी वडी गाल ना है थी यो को न तो थी सके पेरी असी सिनेमा ठायू पो फिल्म ठायू आऊं तो फिल्म थे सिनेमा पाणी थे वी जो फिल्म अचे मार्केट थे जे उनजी मार्केट होंदी त सिनेमा ठही वेंदी मानू ये स्क्रीन हणी मुख्तलिफ़ जगह से 100 कुर्सियों रखियो बहराड़ी में वेठा हूँ अज भी सिंध की होटलों से हलिया वो ऐसो गौर से तो सिंध की हर जो बाखड़ा होटल है बहराड़ी की वह कें नमूने से मिनी सिनेमा है उत टीवी लगो पो है टिकट से 50 मू वेठा दिसन वेठा यह मिनी सिनेमा है जर इन्वेस्टर इंदो तो इन मॉडल के अगर खड़ी सुबह जो उन एरिया में इन्वेस्ट कर सके तो छो तो उत उनकी कमर्शियल ऑस्पेक्ट्स या कमर्शियल वायबिलिटी उनकी मौजूद आस बिल्कुल इन ओपन माइंडेड हूँ। सकाफत खातो मुकम्मिल तौर से तह सहकारी हों सिंधोलॉजी इन स्टेप के अगर खड़े वो मीडिएशन जो रोल करें जे भी तहजा टेक्निकल आस्पेक्ट्स बया करें असा सा गुड वो जेके पैसा सकाफत खाते ते इन फिल्म जी ठहण के हवाले से रखंदो असा मुकम्मिल तौर से उसे बीहर कंदासी पैंजा इवेंट कटे असा पैंजा प्रोग्राम जेके हुंदा इवेंट्स हुंदा बजट हुंदी उनमां कटल करे इन काज ला कंट्रीब्यूट करण ला तैयार आहियूं पर उनमें तव्हांखे थोड़ो बुनियादी होमवर्क करणो पवंदो। आख़िर वट सिटू पढ़ा तो इनजूं ही सिंध विरहाङे जी ॻाल्हि थी हुई या पे सैयद नूर साहब अल्ताफ हुसैन ने सिंध के बंटवारे की बात की फिर एमक्यूएम ने सिंध असेंबली में उनके जितने मेंबर्स थे उन्होंने पहली दफा फ्लोर पे सिंध के डिवीजन की डिमांड की कि सिंध को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए और वहां पे फिर फ्लोर पे मैंने एक स्पीच की थी मैडम मेहताब हम उस जमाने में साथ मेंबर थे असेंबली में तो मेरी एक नज़्म थी मैंने अल्ताफ हुसैन को मुखातिब होकर वो नज्म कही थी उसकी जितने भी शेर दोस्तों की फरमाइश है तो असान लाइ सिंध वतन है दिस इज नॉट अ पीस ऑफ केक दिस इज मदरलैंड असान लाइ सिंध वतन है असां के रूह ते पातल असान लाइ जड़ बदन है या जमीन मुझी
इो मुझो गगन आहे इहाई बेस्ट मुंजी आ इहो बागे अदन आहे इहाई बेस्ट मुंजी आ इहो बागे अदन आहे इहो आहे अंदर मुंजो इहो दिल देश मुंजो आ बिना जे जे उघाड़ो मां वतनी वेस मुंजो आ बिना जेंजे उगाड़ो मां वतनी वेस मुंजो आ चवी थो जिस्म मुंजे ता इहो तू वेस लाही दे करे लीड़ू लिंगन जो तू बदन मुंजो विराई दे करे लीड़ू लिंगन जो तू बदन मुंजो विराई दे कंदे टुकड़ा मोहब्बत जा नवा नक्शा बनाई दे ये नाटक रचाईंदे लिकी जे वार करणो थई असां के रूह पंहिंजे खां अगर जे धार करणो थई अचे को खून जो दरिया अवल सो पार करणो थई हाणे हुन उस मुखातिब है साहब से जो लंडन में बैठा है लिकी तू वेह लंडन में निभाए नांग सां रिश्ता वदन तुझे सदिन खां जे कया पे नांग सां रिश्ता गंगा जमुना जे पाणीअ सां निभायो कोन तो नातो गंगा जमुना जे पाणीअ सां निभायो कोन तो नातो सिंधु जे जल ते जीअंदे सिंधु सां वेर तो लातो पहले तो गंगा जमुना का हिसाब देना होगा गंगा मैया के भी गाने उन्होंने गाए उन्होंने नहीं गाए थे गंगा जमुना जे पाणीअ सां निभायो कोन तो नातो माफ़ कर टुटे तो याद नथो अचे जिमें ग़ालिब मीर हुन सां तज़किरो आहे गंगा जमुना जे पाणीअ सां निभायो कोन तो नातो सिंधुअ जे जल ते जीअंदे सिंधुअ सां वेर तो लातो सिंधु जो पीउ आहे मुंहिंजो सिंधु जा माउ वांगुरु आहे गुलनि जहिड़ा बचा जनमे सिंधुअ जा वाउ वांगुरु आहे असां का थञ थूहर जी न पीती आ न पीअंदासीं असां का थञ थूहर जी न पीती आ न पीअंदासीं सदा ममता जी झोलीअ में जुगनि जा जुग जीअंदासीं उतर थर काण उतर थर लाड़ ऐं काछो इजो पिया ॾियण ॻिचीअ तुंहिंजे ढंढूं ढोरा सिंधु सागर वतन जा वण ॻिचीअ तुंहिंजे जॾहिं ही विज जीअं वांगी तिखी का डोड़ थी ईंदा हज़ारे ऐं लखे हिन अॼु कॾहिं तां किरोड़ थी ईंदा कलाची कुन पियो कंबंदो जॾहिं गज गोड़ थी ईंदा कलाची कुन पियो कंबंदो जॾहिं गज गोड़ थी ईंदा इहे नक्शा बि तुंहिंजे लहे ॻिचीअ जो नोड़ थी ईंदा वतन जी राह रेटे सां खिली खेड़े सुम्हण वारा मिटीअ खे ॾेई मथां पंहिंजे वतन वेड़े सुम्हण वारा वतन में साह जिनजो आ वतन में साह जिनजो आ वतन तिन लाइ बदन आहे वतन ते जिन पढ़ियो कलमू वतन तिन लाइ कफन आहे असां लाइ सिंध वतन आहे।